Hi guys, this is Akanksha from Divine Institute for Judicial Services, and in this today's session we are going to discuss the syllabus for your BLLB integrated course in your Punjab University. This syllabus is all revised and it's a little different from last year's session. In this we see there are 4 subjects for your BA and 2 for the law. English 2, History 2, Political Science, Sociology. Basically it's a part 2 of your semester 1. And the subjects for your law are jurisprudence and special contract. आपका pattern इसमें same रहेगा, जैसे each exam is allotted 100 marks in total, जिसमें से आपके external examination, which means कि आप जो written paper देंगे, उसके लिए आपके 80 marks रहेंगे, and internal assessment is of 20 marks, which is again bifurcated into 3 parts, mid semester test, जो आपके MSTs क्लासेस में होते हैं वो आपके 10 मार्क्स के अलॉट हैं एंड 5-5 फॉर योर प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस दैट यू विल बी गिविंग इनटू योर क्लासेस. इट्स सेम फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड एवरी सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस. लेट्स हैव अ लुक एट इंग्लिश फर्स्ट. सेक्शन ए, लिटरेरी डिवाइसेस एंड टर्म्स. लिटरेरी डिवाइसेस बेसिकली वी माइट हैव हर्ड अबाउट सिमिलीज, मेटाफर्स. ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो पोएट्स यूज करते हैं अपनी पोएम्स लिखने में टू गिव अ डीपर मीनिंग टू देयर राइटिंग्स. सो देयर आर सर्टन टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू, पर्सोनिफिकेशन, पन, सिमिली, एज आई सेड, राइट. सेक्शन बी एंड सेक्शन सी आर अ लिटिल इम्पॉर्टेंट फॉर यू. समटाइम्स वी थिंक व्हेन वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू लॉ कि ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज तो वहाँ पे हमारे पास मेंस में इंग्लिश का टेस्ट होता है, जिसमें हमारे पास ऐसे राइटिंग भी आएगा और प्रेसी राइटिंग भी आएगा. एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज व्हाट वी थिंक ऑफ. प्रेसी राइटिंग में आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास, आई एम सो सॉरी, प्रेसी राइटिंग में आपके पास आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा जिसमें आपको उसको 1/3 में कन्वर्ट करना है बाय नॉट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इट इन टोटैलिटी. एसे राइटिंग वी ऑल आर अवेयर एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ योर प्रॉमिसिंग प्लीडर्स जो आपकी सेमेस्टर 1 में थी. सो नॉट मच डिफरेंस इन इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री. हिस्ट्री अगेन डिवाइडेड इन टू 4 सेक्शंस ए बी सी डी. दिस इज दिल्ली सल्तनत योर फर्स्ट ए. इसमें थ्योरीज ऑफ किनशिप. किनशिप इज नॉट किंगशिप. इट मीन्स द रिलेशंस इन द फैमिलीज एंड द ब्लड रिलेशंस, राइट. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुल्तान, आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फीचर्स ऑफ योर जुडिशियल सिस्टम, इकता सिस्टम, इनके फीचर्स. एंड जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है इस पोजिशन ऑफ द वेमेन इन रेफरेंस टू देयर लीगल स्टेटस एंड प्रॉपर्टी राइट्स. देयर इज अ एवोल्यूशन ऑफ दिस. वी विल स्टडी कि हमारी वेमेन का लीगल स्टेटस एंड प्रॉपर्टी में स्टेटस पहले का क्या था और उसके बाद अब हम करंट कौन से स्टेटस में हैं. सेक्शन बी टॉक्स अबाउट योर दिल्ली सल्तनत. उसमें आपका टैक्सेशन का सिस्टम शुरू कैसे हुआ. इट स्टार्टेड इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, देन इट चेंज इनटू द कंपलसरी पार्ट. एग्रेरियन एंड मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. एग्रेरियन मींस अलाउद्दीन खिलजी ने आपके मार्केट में और एग्रीकल्चरल सोसाइटी में क्या चेंजेस लाए थे, दैट वी विल स्टडी. फिरोज तुगलक के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, स्टेट अंडर अफगान रूल, पॉलिटी अंडर अफगान रूल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेर शाह सूरी. दीज आर सर्टन टॉपिक्स विच वी आर यूजली अवेयर ऑफ. एंड जो हमने, अगर आपने अपने प्लस वन प्लस टू में आर्ट्स ली है एंड इफ यू हैड हिस्ट्री, आपकी सिक्स्थ से ही ये सारी पढ़ाई, ये टॉपिक्स हमारे पास शुरू हो जाते हैं. सेक्शन सी टॉक्स अबाउट योर मुगल स्टेट. न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्की. मोनार्की इज राजा महाराजा का सिस्टम. मनसबदारी, जगीरदारी सिस्टम्स, कास्ट एंड जेंडर. एंड योर सेक्शन डी टॉक्स अबाउट द सेम मुगल स्टेट का लैंड रेवेन्यू, कि उसमें लैंड रेवेन्यू में आप मेथड्स ऑफ असेसमेंट क्या थे, कलेक्शन कैसे करते थे, उनकी एग्रीकल्चर कम्युनिटी क्या थी, ऑल ऑफ दीज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटिकल साइंस. अगेन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस.
एंड इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके, फॉर एग्जांपल चार टॉपिक्स, चार सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, जिनके रिलेशन में हम डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स की थ्योरीज के बारे में स्टडी करेंगे कि उन्होंने इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर अपनी कौन सी थ्योरीज ओरिजिनेट करी थी। फर्स्ट इज द राइट्स, कि राइट्स हैं क्या, हकदार होता क्या है, कौन है, किसके पास हैं राइट, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट काइंड्स, एंड पॉलिटिकल थिंकर्स जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेशन में। देन कम्स द टॉपिक ऑफ इक्वालिटी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, काइंड्स, रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लिबरल थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, दीज आर डिफरेंट थ्योरीज दैट वी विल गो थ्रू। देन सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट योर प्रॉपर्टी। नाउ प्रॉपर्टी, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वी जनरली थिंक, बींग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड जब हम फ्रेश आउट ऑफ 12th आते हैं, प्रॉपर्टी मीन्स हमें समझ में आता है इतने किले, इतने किले, बट वॉट अबाउट द इनटैंजिबल प्रॉपर्टी राइट? यू हैव रिटन अ सॉन्ग, कैन एनी बडी हैव द एक्सेस ऑफ इट विदाउट योर कंसेंट? सो जो वो सॉन्ग आपने लिखा है वो भी आपकी प्रॉपर्टी में ही इन्वॉल्व, इंक्लूड किया जाता है राइट? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, प्रॉपर्टी हो गया, उसकी नेचर, all of this. And second topic in your section C is justice. Same meaning, definition, various types of justice, relationship between liberty, equality and justice. These terms might sound a little similar to you guys because ये हम constitution में पढ़ेंगे और शायद आप अपनी 12th की political science में भी पढ़े होंगे. And section D talks about democracy, meaning, characteristics, types and different theories. Again, means आपका पूरा political science में आपके चार पांच topics हैं जिनके meanings, characteristics, उनके different theories, उनके different kinds that we will be studying in detail. Now comes to the sociology. If we see, sociology is basically society की पढ़ाई, जो मतलब हम हमारी society कैसे चल रही है, what are the different things in the society that are going on, that we study in this. And if we see the revised syllabus, there are a lot of new things which has been incorporated in into your new curriculum. First, section A, it has socialization, social interaction, and the fun part is that they have incorporated psychological aspect as well to it. सिगमंड फ्रूड की कुछ थ्योरीज हैं जो इसमें इन्होंने डाली हैं एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई एम वेरी श्योर द सोशियोलॉजी इज नॉट एज बोरिंग एज इट यूज टू बी एट माई टाइम। दिस इज द सेक्शन ए। सेक्शन बी, कल्चर का मतलब क्या है, मैरिज का मतलब क्या है? इफ यू लुक क्लोजली, दे हैव इंक्लूडेड सेम सेक्स मैरिज इन टू दिस। दिस इज क्वाइट बर्निंग टॉपिक दीज डेज एंड I think everybody would have their own opinion on this, right? Family में अगर आ जाएं, single parenting, gay couples, blended and bi-nuclear families, extended families, dual worker families. Dual worker, it means when both parents are working, right? Religion क्या है? Magic, cult, sect, elements of religion. So these are currently a part of society right now. Right? So we are going to study all of this in detail. Then section D, हमारी social problems क्या हैं? Meaning, causes, solution, theoretical perspective, functionalist, contemporary social problems, child abuse, elderly abuse, problem of youth. अगर हम यही syllabus आज से 50 साल पहले पढ़ रहे होते, शायद हमारी social problem में अभी सती प्रथा होती, but अभी कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं? चाइल्ड अब्यूज, एल्डरली अब्यूज, प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेबल्ड। डिसेबल्ड में देर इज अ न्यू टर्म वी रेफर देम एज स्पेशली एबल्ड। नाउ दे हैव चेंज्ड अ लिटल ऑफ देयर सोसाइटल थिंग, कि पहले हम इनको डिसेबल्ड कहते थे बट हम इनको अब स्पेशली एबल्ड कहते हैं। इनके द्वारा कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर वॉज given the status of third gender, right? So there are a lot of things we are going to study in this.
Now the jurisprudence. Your jurisprudence and your contract are your law subjects. ये generally हम सबसे आस पास से सुनते हैं, senior से सुनते हैं कि बहुत difficult subject है, नहीं हो पाएगा, theories, rules, they are very difficult. I think jurisprudence is one of the easiest subject if you are curious to know about the law. Right? Jurisprudence क्या है? Law कितने तरह के हैं? Law and morality क्या overlap करते हैं? क्या एक चीज morally गलत है और legally सही है? Is it possible? Or the vice versa? School of thoughts. John Austin के द्वारा, this is a quite famous one. Natural law school. These are different schools that we will study. Section B has rights and duties. Meaning of definition of right. So there's a very famous saying, we say that where there is a right, there is a duty of somebody. For example, my right is to live with dignity. So it's duty of everybody not to interrupt my peace. Agar mera jeene ka haq hai, to baakiyon ki duty hai ki wo mujhe na maare. Right? So it means these two things will always coexist. Theories kya hai? Elements, classification, meaning of duty. So iske relation mein hamari detail study section B mein di hui hai. Section C, legal personality. Personality are not just human. In law, we consider artificial personalities also as legal persons. Meaning kya hai? Again, status of a unborn person. आपने usually सुना होगा कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ पर उसके नाम पे property होगी है. A person is not in existence right now. So we are going to study it here कि उसका status क्या है unborn person का, उसके क्या rights हैं, वो क्या क्या, मतलब everything in relation to it. Dead man and animals. Legal person, corporate personality. This is what I was talking about when I was talking about artificial personalities. So this is your section C, and coming to your section D, possession and ownership. Again, two concepts which are absolutely related to each other. Inke bhi meaning, definition, rights, owner ke ya uske bande ke jiske paas possession hai, we are going to study that. So this was your jurisprudence. Let's come and talk about special contract. इसमें आपके हर सेक्शन में कुछ आपको डिफरेंट जजमेंट्स दे रखी हैं जिसपे हमें थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस देना है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पार्ट वन हम अपने सेमेस्टर वन में करके आ चुके हैं. लाइक टेल योर सेक्शन 75 दिस स्टार्ट्स फ्रॉम उसके आगे. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, श्योरिटी, बेलमेंट क्या होता है? आप अपने फ्रेंड को अपना कुछ सामान दे के चले गए. ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी जनरल लाइफ में देखते हैं बट हमें पता नहीं है कि इसको लीगल टर्म्स में क्या बोलते हैं. सो वी विल स्टडी, डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ द टर्मिनोलॉजी, दे आर वेरी इजी व्हेन वी विल स्टडी देम. प्लेज, एजेंसी, टू टर्म्स, प्लेज एंड मॉर्गेज, मतलब सेम है, बस एक में इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक में इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है. गिरवी रखना, प्लेज को भी हम गिरवी रखना बोलते हैं, मॉर्गेज को भी हम गिरवी रखना बोलते हैं. तो प्लेज वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, पॉनर कौन है, पॉनी कौन है, वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो. एजेंसी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, अगेन टू इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स विच आर वी आर गोइंग टू सी. अ न्यू थिंग विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन योर दिस सिलेबस दैट दे हैव इंक्लूडेड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन योर सेक्शन सी एंड डी. आपका जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो 2018 में मेजॉरिटी चेंज हो गया था. मींस ऑल द डायनामिक्स ऑफ योर एसआरए वाज चेंज्ड इन 2018 अमेंडमेंट. तो उस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है एंड देर आर सर्टन टेक्निकल टर्म्स विच वी हैव टू सी इन आवर लेटर क्लासेस. अगेन टू जजमेंट्स. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी रेफरेंस के लिए बता देती हूँ कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगला बंदा उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है एंड दैट पर्सन सेज दैट आई कैन नॉट परफॉर्म पर आप मुझसे कंपनसेशन ले लीजिए. वी डोंट वांट द कंपनसेशन, वी वांट दैट पर्सन टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो ऐसे केस में जहाँ पे हमें कंपनसेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें चाहिए कि वो बंदा बस हमें अपना काम करके दे, दैट्स ऑल.
उस केस में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाते हैं कि हमें हमारा काम एज इट इज चाहिए, तो वो कोर्ट देखता है कि वो उसको देना है कि नहीं, हमें कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, वो ये सारा इसमें पढ़ेंगे। और सेक्शन डी, रेक्टिफिकेशन, रिसेशन, कैंसिलेशन, अगेन अ लिटिल इंटिमिडेटिंग टर्मिनोलॉजी, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी क्यूरोसिटी होनी चाहिए लॉ की तरफ कि ये सब चीज़ें हैं क्या, दे आर नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर एट ऑल। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक वाला नहीं, इंस्ट्रूमेंट लॉ की लैंग्वेज में एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक बंदे से दूसरे बंदे के में राइट ट्रांसफर कर रहा हो। आपकी सेल डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट, एनीथिंग विच इज ट्रांसफरिंग अ राइट और एनीथिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विल बी एन इंस्ट्रूमेंट। उसकी कैंसिलेशन कैसे होगी, सर्टन प्रोविजंस आर देयर विच वी विल सी इन डिटेल, अगेन टू जजमेंट्स, एंड दैट्स ऑल फॉर योर सेमेस्टर टू सिलेबस। इफ यू हैव एनी डाउट व्हाट बुक्स टू रेफर, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, एंड हमें कुछ भी टॉपिक जिस पे आपको कुछ भी डाउट है, तो यू कैन लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल बी रियली रियली हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।